नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह की जेडएक्स न्यूज देख रही सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, आप अपने घर में कोई काम धंधा करने के लिए कोई बंदे को लगाते हो, काम धंधा बंदा कर रहा है, उसे बहुत समय हो गया है और अब महंगाई बढ़ गई है। आपका वर्कर कहता है कि सेठ जी, हमारे लिए ना अब सैलरी आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, खर्चे बढ़ गए हैं, अगर आप सैलरी नहीं बढ़ाओगे ना, हम आपका काम छोड़कर चले जाएंगे। सेठ जी क्या करते हैं, उसकी सैलरी बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी यही हो रहा है दोस्तों। पाकिस्तान अब दुनिया के आगे ये दलीलें रख रहा है कि आप हमें जो कर्जा देते हो ना, कर्जा देने की रकम बढ़ा दीजिए, क्योंकि दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ गई है, दुनिया के अंदर बहुत से क्राइसिस आ गए हैं, इस कारण से आपको कर्जा देने की जो रकम है बढ़ा देनी चाहिए। दोस्तों, क्या मामला है, बहुत दिलचस्प बात होने जा रही है और पाकिस्तानियों को पता लगेगा कि उनका देश किस स्थिति में चला गया है और पाकिस्तान के मंत्रियों के आगे सिर्फ भीख मांगने का एक मौका बचा है और कोई मौका नहीं है ये अपनी सिचुएशन को संभाल सके। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री अमरीका गए, चाइना गए और अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर ये हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर ये दलील दे रहे हैं कि IMF ने जो $6 बिलियन का पैकेज दिया था ना पाकिस्तान को, ये काफ़ी नहीं है, ये आउटडेटेड हो चुका है और इसके लिए आपको IMF को ये पैकेज और बढ़ाना होगा। क्यों बढ़ाना होगा? क्योंकि दुनिया के अंदर कोविड का समय आ गया है, दुनिया के अंदर अफगानिस्तान का जो फॉल आउट हुआ था वो भी क्राइसिस देखने को मिला, दुनिया के अंदर यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है और महंगाई सातवें आसमान पे है, इसीलिए $6 बिलियन का जो पैकेज IMF का था वो काफ़ी नहीं है और इसे बढ़ाकर $8 बिलियन करना चाहिए। पाकिस्तान का जो रुपया है 202 तक पहुंच गया है कल, क्योंकि इमरान खान ने जो जलसा जुलूस किया था उस जुलूस का नतीजा है कि एक अमेरिकन डॉलर 200 पार करके 202 पहुंच गया है। श्रीलंका के हालातों की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान का जो कस्टम डिपार्टमेंट है उसने लग्जरी आइटमों को भी सीज करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानियों के जो शौक है मुगले आजम से कम नहीं है। माँ के पुत चॉकलेटों से लेकर आइसक्रीम और अलग अलग चीज़ें जो हैं दुनिया के दूसरे देशों से ही मंगाना अभी भी शुरू कर रहे हैं। तो ये सारा मामला चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका कल लग गया, क्योंकि IMF ने उन्हें $6 बिलियन के लोन पैकेज के अंदर जो रकम देनी थी वो रकम भी देने से मना कर दिया। दोस्तों, कल दोहा कतर के अंदर 18 मई से लेकर 25 मई की एक मीटिंग चल रही थी। कल 25 मई को ये मीटिंग खत्म हो गई और अब ये मीटिंग आगे आने वाले दिनों के अंदर होगी, लेकिन होगी भी या नहीं होगी, लेकिन इस मीटिंग से ये पता लगना था कि IMF पाकिस्तान को लोन देगा या नहीं देगा। और अब ये खबर आ रही है कि IMF और पाकिस्तान एक डील पर फाइनलाइज नहीं कर सके हैं और इन्हें लोन नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को $6 बिलियन के लोन पैकेज के अंदर भी $1 बिलियन का लोन पैकेज जो था वो मिलने वाला था। 2019 में IMF से $6 बिलियन के लोन पैकेज की एक ये डील हुई थी। 2022 तीन सालों का एक ये समय था और इस तीन सालों के अंदर भी IMF से लोन लेने के ऊपर पेच फंसे हुए हैं। पेच क्यों फंसे हुए हैं? पेच फंसे हुए हैं इमरान खान के कारण। इमरान खान ने अपने जनता को जाते जाते एक तोहफा दिया था, अपने पेट्रोल डीजल की कीमतें 10 रुपये लीटर के हिसाब से कम कर दी थी और उस समय इमरान खान मुगले आजम बन गए थे और उनका कहना था कि देश के पास पैसा बहुत है, इसीलिए मैं जनता को राहत देना चाहता हूँ। इमरान खान को पता था कि उसका बेड़ा गर्क होने वाला है, उसे जूते मारकर वहाँ से जनता निकालने वाली है और वो हुआ भी। और जैसे ही इमरान खान निकले उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, जो 2 पैसे इन्होंने कमाने थे वो 2 पैसे भी चले गए। अब दोस्तों, ये IMF के आगे गेड़े काट रहे हैं इमरान खान के बाद जो गवर्नमेंट आई है, लेकिन IMF वाले कह रहे हैं कि वो जो सब्सिडी आपने दे रखी थी ना, पेट्रोल डीजल के रेट कम किए थे, उन सब्सिडी को खत्म करो और रेट बढ़ाओ। यही कारण है कि मौजूदा सरकार है उसे पता है कि हमारी सरकार जो है कुछ महीनों की है, कुछ दिनों की है, अगर हम ये सब्सिडी हटा देंगे तो अब बाई चांस इमरान खान फिर आ जाते हैं तो उनको फायदा हो जाएगा, क्योंकि IMF के जो $1 बिलियन का लोन पैकेज है वो उससे मिल जाएगा। भले ही देश का बेड़ा गर्क होता है हो जाए, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा नहीं पहुंचाना देना चाहती है और उनका सिर्फ यही मकसद है कि पार्टी बचनी चाहिए, पाकिस्तान बचे या ना बचे ये भगवान जाने। इसी के अलावा चाइना वाले भी चीख रहे हैं जी। चाइना की जो पावर सेक्टर की कंपनियां हैं पिछले दिनों कह रही थी कि 300 बिलियन रुपए का हमें एक ये पैकेज चाहिए, वो रकम अब 340 बिलियन रुपए तक पहुंच गई है और डिफ़ॉल्ट हो सकती हैं चीन की कंपनियां। पाकिस्तान के लिए बुरी पर बुरी खबरें निकल रही हैं। खैर, आपका क्या कहना है पाकिस्तान के बारे में कमेंट में बताइएगा।